मैं उससे बात करके आता हूँ, वो मेरी बात जरूर सुनेगी। मैं उससे बात कर चुकी हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि जब वो अपनी माँ की नहीं सुन रही तो आपकी क्या सुनेगी? और अगर उल्टा उसने अगर आपके साथ बदतमीजी की थी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप तुलसी से बात ना ही करें तो बेहतर रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ वृंदा के बारे में सोचना चाहिए। अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ है, उसकी हालत बहुत नाजुक है। ऐसे में अगर तुलसी ने गुस्से में आकर उसके साथ दोबारा कुछ गलत कर दिया तो बेहतर यही होगा कि मैं उसे यहाँ से दूर भेज दूँ। अगर वो यहाँ पर वृंदा के साथ रहेगी तो वृंदा को देख देख कर उसकी जलन बढ़ती जाएगी, इसलिए उसका बरेली चला जाना ठीक रहेगा। तुलसी को ऐसे भेजना सही तो नहीं लगता, लेकिन आपकी बात भी सही है। तुलसी का यहाँ रहना कहीं वृंदा के लिए खतरा ना बन जाए। वैसे तुलसी की वहाँ बरेली में अच्छे से देखभाल तो होगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने बताया ना कि मेरी बहन वहाँ रहती है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, तुलसी की वहाँ पर बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। ठीक है, तुलसी को ऐसे भेज देना। इस वक्त सिर्फ वृंदा के बारे में थोड़ा आगे। आप वही माफ कर, मैम आप भी पीछे पीछे, आपका वो नहीं। और मैं थोड़ा ऊपर लटू। इस वक्त आपको सिर्फ वृंदा के बारे में सोचना चाहिए। और तू ऊपर ऑपरेशन बस आगे ऊपर। ऑपरेशन है तो इसकी हालत नाजुक है। ऐसे में अगर उसने उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो पूरा पीछे